नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं? आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। और मैं आपके लिए लाया हूं आज टाइम एंड वर्क की वीडियो बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो नंबर 5 है, तो आइए समझेंगे हम क्वेश्चनों को। चलिए, ए कॉमा बी और सी किसी कार्य को एक साथ मिलकर 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए और बी उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। देखिए, ए बी सी 10 दिन, देखिए 10 दिन, और ए और बी 15 दिन। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया एलसीएम लेना, इनका एलसीएम ले लीजिए। अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या से कट जाएगी तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, अगर नहीं कटती है तो दुगना तिगना 4-5 पे लास्ट हो जाता है। तो देखिए, 15 क्या कटेगी 10 से? नहीं कटेगी, तो 15 का दुगना 30, तो 30 10 से कटेगी, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा 30। तो 10 से 3 बार, 10 या 30 और 15 से 2 बार। देखिए, ये एक दिन का कार्य आया है ए बी सी का, एक दिन का कार्य 3 है तो 10 दिन में 30 कार्य है, और ये ए बी का एक दिन का कार्य 2 है तो 15 दिन में 30। तो पूछा गया उसने सी अकेला कितने दिन में कर लेगा कार्य। देखिए, ए बी सी का कितना है 3, देखिए, और ये ए बी का है, तो देखिए अगर ए बी सी के में से हम ए बी का माइनस कर देंगे तो किसका निकल आएगा, सी का। तो देखिए, ये किसका है, सी का, तो सी का कितना है 1। हाँ, देखिए सी का कितना है 1, और देखिए टोटल कार्य कितना है हमारा 30, और सी पे करवाना है तो 1 से 30 बार, तो ये हमारा आंसर आ गया 30 डे, 30 दिन में कर रहा है। नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी कार्य का 5/8 भाग 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो पूरा कार्य वह कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो देखिए इन्हें पलट दीजिए। देखिए 5/8 है तो इसे 8/5, और कितने दिन में कर रहा है 20, तो देखिए 5 से 20 4 बार, और 4 8 32, ये हमारा टोटल कार्य इतने दिनों में कार्य को कर लेगा। अब एक इससे भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसने बोला है 5/8 20 दिन में टोटल कार्य कितना है हमारा, टोटल ये 8 है, भाग जो भाग हैं हमारे वो टोटल 8 हैं, तो 5 उसमें से 20 दिन में कर लिए हमने, तो देखिए कितनी मल्टीप्लाई पर है, 4 पर, तो टोटल कार्य में हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32, तो यहाँ भी हमारा आंसर 32 है, तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, ए किसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में
तथा बी 5/6 भाग 25 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य को करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। देखिए ए 3/4 भाग 15 दिनों में, तो देखिए ये मैंने पहले भी आपको बताया, ये हम पलट देंगे। तो देखिए यहाँ, देखिए यहाँ ए, मैं यहीं पलट देता हूँ, ए 4/3 × 15, देखिए 3 × 15 5 × 5 = 20, तो ए का 20 दिन में कर रहा है। तो देखिए और बी का देखिए, अब यहाँ मैं इसे मिटा देता हूँ, अब बी का देखिए ये 5/6 है और 25 दिन में करवा रहा, तो यहाँ पलट दीजिए, देखिए 6/5 × 25, तो देखिए 5 × 25 5 × 5 = 30, तो बी का कितना आया 30, बी का कितना आया 30। तो देखिए उसने पूछा क्या है, तो दोनों मिलकर कार्य को करें तो देखिए पूरा कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लीजिए, बड़ी संख्या अगर छोटी संख्या से कट जाएगी तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो देखिए 20 से 30 नहीं कटेगी, 30 तो नहीं 60, उसका दोगुना, तो 20 से भी कट जाएगी, देखिए 60 हमारा एलसीएम आ गया, 20 दिया 60 और 30 दुनी 60, तो देखिए दोनों पर करवा रहा है, ए का एक दिन का कार्य 3 और बी का कार्य 2, टोटल कार्य कितना है हमारा 60 और 3 × 2 = 5, तो देखिए 5 × 12 = 12, 12×5 = 60, तो ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अब मैं दूसरी विधि से भी बताऊंगा आपको, नोट कर लीजिए। चलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको पलट देने, तो देखिए यहाँ हमारा कितना आया था 20, देखिए मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ तुमको, देखिए 4/3 मैंने यहीं पलट दिया है और 15, तो 3×5 = 15 5 × 20, ये ए का है, ए का, और बी का देख लीजिए यहीं मैं पलट देता हूँ 6/5 × 25, 5×5 = 30, तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप यहाँ पे यहीं पे वहीं से वहीं बना सकते हैं, एलसीएम लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये आपको ये फार्मूला लगा देना है, देखिए 20×30 और प्लस कर दीजिए 30×20 = 50, तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल और 5 × 30 = 6 × 6 = 12, तो देखिए यहाँ भी हमारा आंसर 12 आ गया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में तथा बी कार्य का 1/3 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, आप पलट लीजिए 2/5 भाग 6 दिनों में, देखिए यहाँ पलट लेता हूँ, तो 5/2 × 6, तो 2 × 3 = 6 और 5 × 3 = 15, तो ए का कितना आया 15 डेज। और देखिए बी का, देखिए बी का 1/3 = 10 है, तो यहाँ पलट लीजिए आप
तीन बटे एक गुणा दस, तो दस दिए दस से दस ही एक से दस बार ही जाएगा, तो दस दिया तीस, तो बी का कितना आया तीस डे। तो देखिए एलसीएम ले लीजिए इनका, अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या से कट जाएगी तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 15 से 30 कट जाएगी, तो यही हमारा एलसीएम है 30, 15 दूनी 30 और 30 से कम 30। तो देखिए तीनों दोनों मिलकर करवा रहा है, दोनों मिलकर तो टोटल काज ये हमारा 30 है और दोनों तीन, देखिए दोनों के एक दिन की ए की दो बी की एक, तो दोनों के मिलकर तीन, तीन से दस बार, तो ये हमारा आंसर 10 दिन। आप चाहें तो उस विधि से भी कर सकते हैं, देखिए 15 गुणा 30 और 30 और 15 45, देखिए 15 से 45 तीन बार और 3 से 10 30 10 बार, यहाँ भी हमारा आंसर निकल आया। ऐसे भी कर सकते हैं आप, यहाँ देखिए इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करिए, एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, ओके, धन्यवाद।